की पार्टी में गोली लगकर टिकट बिकी है। पता है ना कितने की गोली गई है? पता है ना कितने की? 20 करोड़ बिकेगी। वो क्या देश पर चलाएंगे? दूसरे भतीजे को बहुत मौका दिया था मैंने, तो बेचारा अपने परिवार से पूछना, पहली बात तो तुम एमपी नहीं बन रहे, एमपी बन जाओ तो तुम्हारी सरकार नहीं बन रही, सरकार बन जाओ तो तुम्हारे पास प्रधानमंत्री नहीं। अभी तो दोनों बुआ भतीजे अगर जीत गए तो फिर दोनों में एक कांड होगा, गए 100 कांड, कहेंगे 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन जाते। शरद सिंह जी का, वीपी सिंह जी का, इंद्र कुमार गुजराल का, आज इन्होंने यही हाल किया था देवगौड़ा जी का कि तख्ते पे बैठाया कि लोग बनो प्रधानमंत्री और पीछे से तख्ता दीजिए। ये तरीका था कांग्रेस का। कांग्रेस तो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, वो माँ बेटे बेटी की पार्टी बन गई है। माँ बेटे लगी हुई है माँ बिचारी पप्पू को आगे बढ़ाने, लेकिन पप्पू हमारे पास होता ही नहीं। 2007 से लगी हुई माँ बिचारी पप्पू को आगे बढ़ाने, लेकिन पप्पू पढ़ नहीं पाता, 4 लाइन बिना पढ़े भाषण नहीं दे पाता। हाँ एक काम तो उन्होंने सिखा दिया, जब मैं बैठा था मोदी जी के पीछे पार्लियामेंट में 2 सीट पीछे, जहाँ हमारी साहब मुझे भी चोट लगी, मुझे भी मरहम पट्टी करानी पड़ी था। एक शराना है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ कोई बुआ है, कोई भतीजा है, कोई पप्पू है, पूछ लो इनसे कैसे देश चलाओगे। देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना और उसके पीछे थड़कता हुआ एक दिल चाहिए, जो दिल देश के लिए धड़कता हो, देशवासियों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए धड़कता हो, हमारे फौजियों के लिए धड़कता हो, ऐसा दिल चाहिए।